मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला एक बार फिर कोर्ट में पहुंच गया है। श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से सोमवार को जिला अदालत में केस दायर किया गया। इस पर करीब 2 घंटे सुनवाई भी हुई और कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के बाद अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मामला सुर्खियों में है। आस्था से जुड़े इस मसले पर एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से सोमवार को जिला अदालत में केस दायर किया गया। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर केस में 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। याचिका दाखिल करने वाली वकील रंजना अग्निहोत्री ने अपनी अर्जी में कहा है कि जिस जगह शाही मस्जिद खड़ी है उस जगह भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। 30 सितंबर को जो आदेश दिया था उसमें माननीय सिविल जज महोदया ने ये कहा था कि वर्शिपर को डिवोटी को अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर इनके दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत सारे लोग डिवोटी के रूप में आ जाएंगे, जिससे कि न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी ग्राउंड को हम लोगों ने चैलेंज किया है, क्योंकि विधिक व्यवस्था में और CPC में ये ग्राउंड कहीं भी टिकता नहीं है। सोमवार को कोर्ट ने करीब 2 घंटे इस मसले पर सुनवाई की, बाद में इसे 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर विवाद को लेकर 30 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच 1968 में जो समझौता हुआ था वो समझौता अवैध है। हालांकि कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि सिर्फ भक्त होने के आधार पर केस दायर करना जायज नहीं है, लिहाजा अब एक बार फिर इसे जिला जज की कोर्ट में दायर किया गया है। जिला जज के सामने बहुत विस्तृत रूप से सुनवाई हुई है और सुनवाई में मुख्य हमारी दलीलें यही थी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर है वो टोटली गलत है और भक्त केस फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि केस में ये होल्ड किया है कि कोई भक्त या भगवान खुद थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड केस फाइल कर सकते हैं।